आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की। देखिए कई सारे स्टूडेंटों के जो कई सारे सवाल आ रहे थे डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कि सर मेरा नाम वेटिंग में इतना है, क्या मेरा वेटिंग क्लियर होगा कि नहीं होगा, सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सब अपना मार्क्स वगैरह भी कई बता रहे, कई सारे सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। D01 से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए एक सवाल तो ये है कि सर वेटिंग में मेरा इतना अपना वेटिंग बता रहे कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। देखिए जामिया डिप्लोमा में जो वेटिंग क्लियर होता है मॉर्निंग शिफ्ट में हर साल लगभग 200 के आसपास क्लियर हो जाता है वेटिंग मॉर्निंग में। तो इस आपका अगर जनरल कैटेगरी मान लीजिए आपका 140 से 140 से लेकर 150 के बीच में अगर आपका वेटिंग में नाम है जनरल कैटेगरी से तो आपके एडमिशन होने की मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से जैसे मुस्लिम वुमेन या फिर जनरल मुस्लिम या मुस्लिम SC ST या मुस्लिम OBC, तो मुस्लिम में देखिए SC होता नहीं, ST और OBC होता है, तो वही ST और OBC अगर आप हैं तो आपको 200 तक अगर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन जो है मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा। 200 रैंक का मतलब जो सीरियल नंबर जो वेटिंग में दिया गया ना आपको, वो आपका अगर 200 तक है तो आपका एडमिशन मॉर्निंग में होने के चांस है, ठीक। दूसरा सवाल ये होगा कि सर वेटिंग में नाम है तो क्या हमारा सेल्फ फाइनेंस एडमिशन हो सकता है? हाँ, देखिए वेटिंग में आपका कहीं पे भी नाम हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, मान लीजिए आपका 300 या लास्ट वेटिंग जितना भी हो, मान लीजिए 300 ये लास्ट, तो आपका कोई सा भी कैटेगरी हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप मुस्लिम से हो, कोई से भी कैटेगरी से हो, आपका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में कन्फर्म है अगर आपका वेटिंग में नाम है तो। चाहे आपका वेटिंग में किसी भी ब्रांच में नाम हो, आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कन्फर्म है, ठीक। अब एक सवाल आता है कि सर कि हमारे वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या हमारा सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं उन बच्चों का भी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो सकता है। पिछले साल जो लास्ट ईयर है 2022-23 में जो एडमिशन हुआ था, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन उनका एडमिशन हुआ था इवनिंग में। क्योंकि देखिए ये जो कोर्स है जामिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ये सब इसमें जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा हैं, 720 सीटें हैं टोटल। सीधी सी बात है अगर ज़्यादा सीट होगी तो वेटिंग भी ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 300 कुछ तक वेटिंग दिया हुआ, मान लीजिए 350 रफली मान लेते हैं, ठीक है, सीटें हैं, 200 तक मॉर्निंग में क्लियर हो जाएगी, तो इधर कितनी बची 150-150, लेकिन इवनिंग में हमें सीट कितनी चाहिए, 360 सीटें चाहिए। तो इसका मतलब जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं वो भी स्टूडेंट तो चाहिए इसमें इवनिंग में। और ये मत देखिए कि 300 वेटिंग कंप्यूटर में 300 इसमें, देखिए कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका नाम दो दो तीन तीन जगह पे होगा, कुछ का नाम जनरल में भी होगा, मुस्लिम में भी होगा, मुस्लिम OBC में भी होगा, तो कई सारे वही जो रैंक है आपका जो जनरल में वही बच्चे इधर रिपीटेड है, कई बच्चे स्टूडेंट का नाम दो बार तीन बार ऐसे होगा। तो आपका नाम अगर सिलेक्टर लिस्ट में नहीं है ना वेटिंग में तो भी आपका चांस है कि सेल्फ फाइनेंस में हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो है फर्स्ट मतलब जो पहली जो लिस्ट वेटिंग क्लियर हुई थी, पहली सिलेक्टर लिस्ट आई थी, मतलब उसके बाद जो पहली फर्स्ट सिलेक्टर लिस्ट आई थी जो वेटिंग लिस्ट से सिलेक्ट किए गए थे उसमें कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी आज हम इस वीडियो में वो देखेंगे। आइए आप देखिए ये जो लिस्ट है आपकी 2022 की, ये जो पहली लिस्ट है जो वेटिंग लिस्ट से मतलब क्लियर हुई है वो पहली, तो ये जो आपको देख रहे हैं ना स्टार्टिंग में, ये आपका क्या है, ये उन स्टूडेंटों का नाम रोल नंबर है जिनका अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड मतलब जो आपकी चॉइस जो मनपसंद थी वो आपको जो दी गई, जैसे कि ऐसा होता है ना कि आपका मान लीजिए कि आपका मार्क्स आया, मान लीजिए 50 मार्क्स आए आपके और आपको जो ब्रांच चाहिए था उसका कटअप गया 52, तो आपको वो ब्रांच नहीं मिला तो अगला ब्रांच आपको दे दिया। तो इसमें क्या होता है आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन होता है कि क्या आप जो आपका जो चॉइस है आपका उसको अपग्रेड करना चाहते हैं अपना, तो आप अगर यस करते हैं तो फिर अगर आपको जो ब्रांच चाहिए था उसमें अगर सीट खाली होती है तो सीधी बात सीट खाली होगी तो दूसरे बच्चे को मौका देंगे, यानी कि उससे कम मार्क्स वाले को, तो फिर अगर आपका मार्क्स जितना उतना आता है तो आपका अपग्रेड कर दिया जाता है। तो ये सब तो अपग्रेड वाले हैं शुरुआत में, देख लीजिए ये नए एडमिशन है, ये वही है जिनका एडमिशन होगा अपग्रेड होगा, ये भी अपग्रेड है, ये सब अपग्रेड हुए हैं। अब देखिए ये जो एडमिशन हुआ ये है आपकी जो वेटिंग क्लियर, यानी जो सिलेक्ट नहीं हुए थे वो दूसरे लिस्ट में सिलेक्ट हुए। ये देखिए मैकेनिकल में देख लीजिए आप जनरल से 16 हुए, मुस्लिम से 10, मुस्लिम OBC ST से 2, ऐसी देखिए मुस्लिम वुमेन से मैकेनिकल में जामिया इंटरनल, ये मैकेनिकल का होगा वेटिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए सिलेक्टेड, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे वेटिंग क्लियर हुए हैं, ये मतलब फ्रेश एडमिशन जो हुए हैं। 18 है जनरल्स, जनरल 21, मुस्लिम 5, मुस्लिम OBC ST 2, अगर आप ये देखेंगे कि जो वेटिंग जो ये दिख रही है जो आपकी सारी नई वेटिंग जो क्लियर हुई है, अगर आप देखेंगे तो ये जो वेटिंग जो है 100+ है, पहली लिस्ट में ही 100+ है,
और लगभग 5 से 6 लिस्ट आती है। बाकी लिस्टों में 100 नहीं होती, कम कम सीटें क्लियर होती हैं, लेकिन फिर भी 200 के आसपास तो हो जाती है। पहले लिस्ट में जो होती है 100 प्लस क्लियर हो ही जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जामिया डिप्लोमा में जो वेटिंग जो क्लियर होती है, इसका रीज़न क्या है, क्यों इतनी मतलब इतनी ज़्यादा वेटिंग क्लियर होती है, क्या ये कोर्स ख़राब है? नहीं, देखिए वेटिंग क्लियर होने के कई रीज़न होते हैं। कई स्टूडेंट जो होते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ वो क्लास 11 के भी भर देते हैं, अगर 12th बेसिस पे हैं तो ग्रेजुएशन के BSc वगैरह भी भर देते हैं और BTech भी करते हैं। तो अब मान लीजिए जिनका BTech में एडमिशन, जो जिस स्टूडेंट का BTech एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा उसका डिप्लोमा हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप हाई लेवल का, क्योंकि BTech में एडमिशन जामिया में JEE के जरिए होता है, तो अगर आपका 11th 12th का साइंस अच्छे से कंप्लीट है तो आप तो डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम से निकाल लेंगे। तो फिर जो स्टूडेंट क्लियर हो जाता है तो फिर वो उधर चले जाते हैं, तो वो सब एडमिशन यहाँ से कैंसिल करा के, काफ़ी स्टूडेंट डिप्लोमा से कैंसिल करा के जब उनका BTech में नाम आ जाता है तो वो वहाँ चले जाते हैं कुछ स्कूल में, और कुछ जो BSc वगैरह भरते हैं उसमें चले जाते हैं। और सेल्फ फाइनेंस में जो काफ़ी वेटिंग क्लियर होती है उसकी कई रीज़न है। एक रीज़न तो ये है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फीस है इसमें ज़्यादा। दूसरा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो सेल्फ फाइनेंस है रेगुलर कोर्सेस नहीं है, इवनिंग में हो रहा है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को प्लेसमेंट का मौका मिलता है, दोनों कोर्सेस भी रेगुलर है, दोनों की मान्यता भी रेगुलर है, सब चीज़ें सेम है। आप अगर आप सिलेबस भी डाउनलोड करके देख लेंगे, आप जामिया की वेबसाइट पर जा करके डिपार्टमेंट सर्च करेंगे, उस डिपार्टमेंट जाकर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जो डिपार्टमेंट है उसमें जाएंगे, आपको जो ब्रांच आप ले रहे हैं उसकी मॉर्निंग का भी सिलेबस डाउनलोड कीजिए और इवनिंग का भी सिलेबस, आप देखेंगे बिल्कुल सेम मिलेगा। बस अंतर यही रहेगा कि मॉर्निंग में 6 मंथ पे एग्ज़ाम है यानी सेमेस्टर वाइज, और इवनिंग में ईयर वाइज एग्ज़ाम है, दोनों सेल्फ फाइनेंस से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया सर्टिफिकेट देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।